त्यांनी निषेध करायला पाहिजे ना. तुमचे तुमचे आमदार सगळं स्वागत करत आहे, ट्विट करत आहे, तुमचा कोणताही नेता निषेध करत नाही. अजित पवारांनी केला नाही, शरद पवारांनी केला नाही, सुप्रिया सुळेंनी केला नाही, कोणत्याच आमदारांनी, कोणत्या मंत्र्यांनी. फेसबुक पे मुबारकबाद दी जा रही है. हमने कहा कि जब पूरा शहर का जो शिवाजी नगर नाम दिया गया तो उस वक्त एक डिमांड होती थी कि पूरे पूना शहर को शिवाजी नाम दिया जाए. तो वहाँ ये तय हुआ कि पुराने पूना शहर को पूना कहा जाए और न्यू डेवलपमेंट जो हुआ उसको शिवाजी नगर. उस वक्त मतलब हमने राजा हमने सभागार में ये डिमांड रखी थी कि औरंगाबाद पुराने शहर औरंगाबाद बोलो, सिर्फ को हड़को आधुनिक देवरी 75% नया शहर बस इसको आप सफाई नगर हम उसके साथ. और संभाजी महाराज का नाम की ऐसी जगह पर जहाँ कॉन्ट्रोवर्सी डिमांड नहीं होती है और देने में हम भी कहते हैं हमारे भी महाराज हम भी उनका अपना अपना महाराज नाम. इनके सवाल का जवाब नहीं क्या अपनी जगह अटल है. जो हुआ गलत हुआ और कीर्ति समिति के साथ में हम खड़े हैं. गैमार सभागृह में जब प्रस्ताव पास हुआ था 27 साल पहले हम लोग ही थे, हमने ही विरोध किया था महानगर पालिका में. 27 साल पहले जब ये प्रस्ताव आया था मुश्ताक भाई हम सब पूरे साथ थे, हम नगर सेवक थे और हमने नगर सेवक बोल के उस टाइम में इसका विरोध किया था. और 27 साल अच्छे से सब चला ही. सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने जो है खिलाफ कानून के खिलाफ किए हैं, मुश्ताक भाई ने जो बताया सही है और हम सब लोग ये तो अभी जो समिति है उसके साथ है और हमको उम्मीद है इंसाफ मिलेगा और ये हमारा जो औरंगाबाद है और उस्मानाबाद है वो वैसा ही रहेगा. साहब आपकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आपके साथ, इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है. देखिए भाई बात ऐसी है कि अब ये लड़ाई हम कीर्ति समिति की तरफ से लड़ रहे हैं और ये अपनी बात को हम जो है कोर्ट के अंदर लेके जा रहे हैं और जो फैसला होगा कानून पे भरोसा है और इंसाफ मिलेगा. उस्मानाबाद के भी लोग हैं यहाँ, इनकी भी बात थोड़ी फिल्टर बात कहेंगे आप जी. आज जो कृति समिति की प्रेस हुई तो इसमें क्या डिसीजन लिया गया? देखिए साहब सबसे पहले तो महाराष्ट्र में मुसलमानों के वास्ते ये जो तो जाते जाते मुख्यमंत्री साहब जिनकी हम बहुत तारीफ करते थे, मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्होंने जाते जाते हमारे पीर ने खंजर घूम दिया और औरंगाबाद शहर का नाम और उस्मानाबाद शहर का नाम चेंज किया. उसकी हम जोर निषेध करते हैं, उसका विरोध करते हैं. रहा सवाल औरंगाबाद में जिस तरह से जो ट्रेंड चलाया जा रहा है कि दूसरी पार्टी के जैसा हमारे खासदार साहब का बयान आया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के या कांग्रेस के लोगों को देखकर जमीन पर, अरे हम ये आंख से उनसे पूछना चाहते हैं क्या कि आप किस हैसियत से हमको ये कह रहे हैं. हम तो पहले ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर इस्तीफा देना चाहिए तो खासदार साहब के दो आमदार ने देना चाहिए, देसमाई और फारूक शाह ने, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में भी उनको वोट दिया, उन्होंने विधानसभा में भी उनको वोट दिया. जो सीधी सीधी जो तो आपके पास जो सनद है उन्होंने व्हिप जारी किया. रहा सवाल औरंगाबाद में जब कारपोरेटरों का इलेक्शन था उनके 26 कारपोरेटरों ने एमएलसी में जो तो अंबादास दान में वोट दिया वो सीधे सीधे आप शिवसेना को वोट देते, शिवसेना ऐसी हरकत करती है क्या? और आप ये कहते हैं अगर आप उस आप जो कह रहे हैं ये न्याय की शर्म की बात, शर्म से डूबने वाली बात है खासदार साहब. आपकी सियादत कमज़ोर है, आप फ्लोर पर डांस करते हैं, आप जो तो अपने आप को औरंगाबाद का शाहरुख खान कहते हैं, आप अपने आप को दो लड़कियों के साथ में स्टैंड करने की बात कर रहे हैं. जब कहीं जाकर लोगों ने देख लिया कि यहाँ की क्यादत लुल्लू मुंजू है, ये नाम के जब विस्तार पहले जब बीजेपी को मुख्यमंत्री थी उन्होंने जब फैसला नहीं लिया, लेकिन आज औरंगाबाद में मुसलमानों की जो क्यादत थी वो कमज़ोर क्यादत थी, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं. इस्तीफा खासदार ने देना चाहिए, सबसे पहले खासदार ने. हाँ उन्होंने इत्तेहाद की बात करते थे, तमाम मुसलमानों को हर पार्टी से एक जगह लेकर बात करते थे कि हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, तो मैं उनको सैल्यूट करता, उनसे पीछे खड़ा रहता, लेकिन उन्होंने इसमें भी सिया. अगाड़ी सरकार ने जो फैसला लिया औरंगाबाद और उस्मान का नामांतर का,
मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस सर चिटनीस हूँ प्रदेश का। मैं इस आघाड़ी सरकार का निषेध करता हूँ कि इन्होंने जो फैसला लिया वो गलत लिया। इससे पहले मनोहर जोशी 1997 में उन्होंने उस्मानाबाद का नाम चेंज करने का प्रस्ताव पारित किए थे और नाम चेंज भी किए थे। इससे पहले हम हाईकोर्ट में रहने की वजह से 10 दिन का मोहलत दिए थे कि 10 दिन के बाद पिटिशनर को पिटिशन लेके कोर्ट में आना है और उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा। तो हमारे पास इतने मजबूत डॉक्यूमेंट थे, आज भी हैं। हम वही डॉक्यूमेंट लेके अभी फिर से और हमारे मुश्ता भाई वगैरह सब साथी जो जितने भी साथी उनको लेके और उस्मानाबाद की टीम ऐसा दोनों मिलके हम पूरे हमारे जो 53 के गाइडलाइंस है और भी हमारे पास अहम डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लेके हम फिर से इस सरकार के जो डिसीजन है इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह हमारे को हाईकोर्ट से पूरी उम्मीद है कि ये नामांतर कभी हो नहीं सकेगा क्योंकि 53 के गाइडलाइंस में जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं है नाम चेंज करने का। इनको इन्होंने कैबिनेट में अगर ठहराव दिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर लागू करने का सोचे भी तो उनको गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइन के अंदर औरंगाबाद बैठता है ना उस्मानाबाद बैठता है। तो हमको उम्मीद है हाईकोर्ट से कि इसके अंदर हमको स्टे मिलेगा और हम मजबूती के साथ औरंगाबाद की टीम और उस्मानाबाद की टीम हाईकोर्ट में हम इसको फाइट करेंगे। 2002 में ये केस का डिस्पोजल हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने ये निकाली थी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने निकाली थी अधिसूचना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो अधिसूचना निकाली थी उसको विलासा देशमुख की सरकार आने के बाद वो अधिसूचना उन्होंने वापस ली थी और अधिसूचना वापस हो जाने से जिस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था वो अधिसूचना खत्म हो जाने से डिस्पोजल किया और ये सवाल खत्म हो गया था 2002 आज तक के बाद उठा नहीं। अब ये नया उठा रहा सुप्रीम कोर्ट और जाएंगे आपने बोलना भूल गया शायद सुप्रीम कोर्ट का एक अपने खंडारकर में आप ये सुन लिए एक पुता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है जिसके रेस जुडिकेटा कहते हैं कि एक विषय जो सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्पोज ऑफ हो जाए दोबारा नहीं लाया जा सकता और ऐसा लाना वो सुप्रीम कोर्ट का अवमान ट्रीट किया जाता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोबारा इस विषय उठाकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का अवमान किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ अवमान की भी याचिका करेंगे और ये नामांतर मुश्ताक साहब कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है क्या राष्ट्रवादी के भी देने वाले हैं? देखिए अगर राजीनामा समस्या का समाधान है तो हम पूरे के पूरे राष्ट्रवादी वाले खड़े आपके पास राजीनामा दिए क्योंकि राजीनामा देने के बाद हमारी बात ऊपर पहुंचाने का क्या जरिया बाकी रहेगा, इसलिए हम पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस इशू पर लड़ेंगे। हाँ पार्टी को लगता है कि हम गलत करें तो पार्टी हमको पार्टी से निकाले ठीक है, हम अपने पास से हटने वाले नहीं। कांग्रेस से हो जाएगा नहीं होगा जब मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो हो रहा है ये लीगली नहीं है। पिछली बार किया था तो 27 साल एक रिश्ते में 27 साल गुजर गए, अब फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं उनको तो न्याय मिलेगा और हमारा ऐसा मानना है कि आप पार्टी राजीनामे की जो बात कर रहे हैं हमारे भी पार्टी के सभी प्रमुख कार्यनेताओं ने राजीनामे देने की तैयारी कर ली है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजसभा बादल ने फोन पर कहा कि मैंने कैबिनेट में व्यक्तिगत विरोध किया है। पार्टी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो पार्टी के बारे में आप जानते हैं कि वो बड़ा आदमी है, उसने कहा कि उनको पवार साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि आप ये बोलो कि महाराष्ट्र में सूखा है, बारिश नहीं हो रही है, बेरोजगारी के प्रॉब्लम है, ये बड़ी बड़ी समस्याएं सामने कि तुमने ऐसा इशू क्यों उठाया है। लेकिन आप हम जानते हैं आप राजकारण हम यहाँ समझते हैं कि मुख्यमंत्री जा रहे थे उनका आखिरी दिन था, उसने देखा कि सरकार तो जा रही है कम से कम मेरी पार्टी नहीं जाना चाहिए, जो पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। और कैबिनेट का सिस्टम है मैं भी यहाँ नगर सेवक रह चुका, हमारे दोस्त मोहसिन पहलवान साथ हैं कि हमारे बाद जब कैबिनेट कारपोरेशन में जनरल पार्टी खड़ा होते थे हम चर्चा कुछ भी करें मेरा अपना निर्णय ले, ये अध्यक्ष जो होता है जहाँ पे इस टाइप का वो करते हैं, लेकिन उनका निर्णय मान्य लास्ट निर्णय नहीं है, वो सब कुछ नहीं। इससे पहले महाराष्ट्र में कैबिनेट में खड़ा लिया था, विधानसभा में उठाव पास हुआ था, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का नाम को रोका है। अभी तो सिर्फ कैबिनेट डिसीजन हुआ है, कैबिनेट खड़ा हुआ है, विधानसभा में बिल पास नहीं हुआ, इसके
के लिए, इस देश के न्याय व्यवस्था का हमारा पूरा यकीन है। हम इस सुप्रीम कोर्ट तक वापस जाएंगे और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। सर अभी आपने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट देंगे, तो ये माना जाए कि तमाम राष्ट्रवादी आपके साथ खड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से खड़े हैं। मैं जिस कैपेसिटी में आज कह रहा हूँ वो है कुर्ती समिति का अध्यक्ष। ये कुर्ती समिति कांग्रेस, राष्ट्रवादी, जनता दल, समाजवादी पार्टी और अनुराग के प्रतिष्ठित नागरिक और संगठनों में मिलकर नियुक्ति समिति बनाएंगे, तो मैं इसके अध्यक्ष सेकुलर लोगों ने बनाई है और इसको लेकर मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन हमारी पार्टियों ने हमको ये आश्वासन दिया है तुम्हारी डेमोक्रेटिक लड़ाई में हम तुम्हारे साथ। सर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है, स्टे आप कह रहे हैं कि स्टे कोर्ट से, आप डबल आप रिपिटिशन कैसे दाखिल करेंगे सर? कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे है उसके ऊपर, तो रिपिटिशन आप कैसे दाखिल करेंगे कोर्ट से? कोर्ट से स्टे नहीं, कोर्ट से स्टे होता था।